अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। टिकू जल्दी से टेक काटो ना। जब मेरी सुमन मामी आ जाएगी तब केक काटूंगा। मामी जी, आप सुमन मामी को क्यों नहीं जा रहे? टिकू, सुमन मामी किसी काम से बिजी है, वो थोड़ी देर में आ जाएगी, तुम केक काट लो। नहीं, सुमन मामी जी को आज आने दीजिए। टीकू, तेरी सुमन मामी नहीं आएगी। चलो केक काटो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं ना। सुमन मामी आएंगे नानी? टीकू, अब कोई नहीं आने वाला। चलो केक काट लो। केक तो सुमन मामी के आने के बाद ही कटेगा। बेटा, सुमन मामी नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? वो नहीं आएंगी तो मैं जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। मामा जी, आप मामी को लेकर आइए ना। टिक्कू, मैंने कहा केक काटो, सुमन मामी नहीं आएगी। नहीं काटूंगा, नहीं काटूंगा। अरे टिक्कू, टीकू, टीकू बेटा, अपने जन्मदिन के दिन कोई ऐसे रूठ के आता है? हाँ देखो बेटा, तुम्हारे सारे दोस्त वहां बैठे हुए हैं, उनको कितना बुरा लगेगा। तेरा जन्मदिन बड़ी खुशी खुशी मनाना चाहिए। चलो अंदर आओ। मेरी सुमन मामी नहीं आई है तो मैं जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। टीकू बेटा, देखो जिद नहीं करते हैं, चलो केक काट। मैं नहीं कर रहा, तो आप लोग कर रहे। कब से कह रहा हूँ जाकर सुमन मामी को लेकर आए, लेकिन आप लोग मेरी सुनते नहीं। आप लोग गंदे। टिक्कू, एक थप्पड़ मारूंगी तुझे मैं। गुड्डी, आज के दिन में तुमने उसे रुला दिया। तो क्या करूं, सबका दिमाग खराब कर दिया है इसने। टिक्कू, तुझे जन्मदिन मनाना है या नहीं? नहीं मनाना है मुझे जन्मदिन। ठीक है, चलो जाओ। क्या कर रही? टीकू के साथ ये अच्छा नहीं हो रहा। हम लोग टीकू की खुशियों का गला नहीं घोट सकते। हमें टीकू की खातिर कुछ पल के लिए तो सुमन को यहाँ बुलाना चाहिए, नहीं तो उसकी खुशियों पर पानी फेर जाएगा। और एक बच्चे के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। अरे टीकू जिद करेगा तो आज कुछ पल के लिए आप सुमन को यहाँ ले आएंगे, कल वो जिद करेगा तो सुमन को यहाँ बसा भी लेंगे क्या? आपको पता है ना, सुमन अगर इस घर में आ जाएगी तो भाभी को कितना बुरा लगेगा। नहीं विद्या, ये बात गलत है। कादंबरी को अपने आप को समझाना चाहिए, वरना बेचारे टीकू का जन्मदिन खराब हो जाएगा। मुझे लगता है कुछ देर के लिए उसको बुला लेने में कोई हर्ज नहीं है। पर अगर हमने चाची जी से बिना पूछे सुमन को यहाँ बुलाया, वो गुस्से में कुछ कर बैठी तो? मुझे नहीं लगता मम्मी सुमन को बुलाने की इजाजत देंगी, और चाचा जी भी उसे नहीं आने देंगे। बल्कि चाचा जी ने तो उसे बोल दिया था इस घर से सारे रिश्ते नाते तोड़ने के लिए। समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। मैं कादंबरी को मनाने जाती हूँ। आज के दिन मैं टिकू के आंखों में आंसू नहीं देख सकती। नहीं बहू, कादंबरी के पास जाने से कोई फायदा नहीं होगा, बेकार ही तुम्हारा दिल दुखेगा। वो कभी नहीं मानेगी। टिकू बच्चा है, हम उसे समझा लेंगे। मत रो टिकू, तुम्हारे दोस्त आए हैं ना, देखो सुमन मामी भी आ जाएंगे। हाँ
चुटकी गोलू चलो अंदर, बहुत हो गया खेलना। अरे कादंबरी आओ ना। नमस्ते। अरे कादंबरी बहुत दिन बाद दिखाई दी। दरअसल मैं बच्चों को लेने आई थी। टीकू का जन्मदिन है ना, इसीलिए। अच्छा अच्छा। अरे चुटकी गुलू, तुम लोग अभी तक आए क्यों नहीं? टीकू कब से इंतजार कर रहा है? ठीक है, हम लोग तैयार होकर आते हैं। अपनी सुमन दीदी से भी कहो आने के लिए, वरना टीकू केक नहीं काटेगा। सुमन दीदी अब तो आप चलेंगी ना? नमस्कार भाभी। नमस्ते, कैसे आप? मैं ठीक हूँ भाभी। अरे छुटकी सुमन जरूर जाएगी। भाभी मैं इन तीनों को भेज दूंगा। नहीं, हम इन्हें अपने साथ ही ले जाएंगे। अच्छा चलो तुम तीनों जाके तैयार हो जाओ। चलिए ना दीदी, आइए ना। चले। आओ माँ। प्रभु। हाँ माँ। आज सूर्य पश्चिम से तो नहीं उगा था ना, फिर ऐसे कैसे हो गया? देव की भाभी सुमन को अपने बेटे की हत्यारिन समझती है, फिर उसे बुलाने कैसे आ गई? पता नहीं माँ, समझ नहीं आ रही। सुमन को तुमने कादंबरी के साथ भेज दिया, अगर देव को बुरा लग गया तो? सुमन कादंबरी भाभी के साथ चली गई, मैंने मना किया था ना उसे जाने से, फिर क्यों गई वो? हिम्मत कैसे हुई उसकी? शांत हो जाओ देव। दरअसल टिकू ने जिद पकड़ ली थी कि वो केक ही नहीं काटेगा, जब तक सुमन मामी नहीं आएगी मैं जन्मदिन ही नहीं मनाऊंगा, ऐसा कह रहा था वो। मुझे तो सुमन पे गुस्सा है। सुमन पर नाराज मत, वो तो ये सोचकर जाना ही नहीं चाहती थी कि तुम्हारा दिल दुखेगा, लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी थी। मेरी जगह अगर तुम होते ना तो तुम भी मना नहीं कर पाते। कादंबरी भाभी खुद आई थी उसे लेने, मैं कैसे मना करता देव? तुम भी आ गए उन लोगों के झांसे में, तुम जानते नहीं हो उन लोगों को, बड़े स्वार्थी लोग हैं और वो सुमन को खुशी से नहीं लेके गए, मजबूरी में लेके गए। कौन जाने इसमें भी उनकी चाल हो कोई। बस बहुत हो चुका, अब और नहीं। अब मैं ऐसा इंतजाम करूंगा कि उनके कदम मेरी सुमन की तरफ उठ ही नहीं पाएंगे, और ना ही कभी सुमन के कदम उठ पाएंगे उस घर की तरफ। सुमन की भलाई के लिए मुझे ये कठोर कदम उठाना ही होगा। मैंने कहा ना मैं केक नहीं काटूंगा। टीकू बेटा सुमन मामी नहीं आएंगी, चलो चलकर केक काट लो। मैंने पहले ही कहा था ना सुमन मामी को बुलाने के लिए।